फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस ने नारकोटिक्स ड्रग की तस्करी की बड़ी के खेप के साथ चार तस्करों को नगला चतुरी के पास अरेस्ट किया है। पुलिस ने करीब 220 किलो गांजा और एक होंडा सिटी कार बरामद की है। पुलिस कस्टडी में जा रहे मादक पदार्थ तस्कर है, नाम रवि रंजीत बालेखा लवकेश है। पुलिस की माने तो बरेली नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पीछा करते आ रही थी और सिरसागंज बरेली पुलिस टीम ने ड्रग्स की बड़ी खेप को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी होंडा सिटी कार से मादक पदार्थ की तस्करी को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 220 किलो गांजा बरामद किया है। एसपी ग्रामीण ने रणविजय सिंह ने मंगलवार की दोपहर खुलासा कर बताया है, पकड़े गए आरोपियों को काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है और बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को सुसंगत धाराओं में भेजा जेल। देखिए, एंटी नारकोटिक्स टीम जो बरेली यूनिट की है, उसके पास इनपुट था कि सिरसागंज क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की, नारकोटिक्स की, कहीं ना कहीं से लाई जा रही है। इस सूचना पे बरेली यूनिट की टीम यहाँ आई और उसके बाद SHO सिरसागंज, CO सिरसागंज और इनकी टीम ने मिलकर के चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उस गिरफ्तार व्यक्तियों उसके पोजीशन से 2 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा पैकेट्स में थे और 44 पैकेट्स, जो 5 किलो का एक पैकेट था, वो हम लोगों ने रिकवर किया है। ये सारी रिकवरी इनके द्वारा एक होंडा सिटी कार में उसको इन लोगों ने पैक किया हुआ था, चारों तरफ उस गाड़ी के इसको अंदर उसको कवर करके उसमें रखा गया था और इस स्पेसिफिक इनपुट पे हम लोगों ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। इस चारों में से 3 व्यक्ति फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और एक बाहर का है। इनफैक्ट ये लोग, इसमें जो 2-3 लोग हैं, उनका नारकोटिक्स में डील करने का पुराना इतिहास भी रहा है। इसमें एक अखंड प्रताप है जो अभी फरार चल रहा है, बाकी एक बाले है, उसका पुराना इतिहास भी रहा है, और बाकी जो ये रवि, रंजीत, ये सब हैं, लोकेश कुमार, ये सब अभी इनके खिलाफ अन्य मुकदमे हैं, बट नारकोटिक्स में पहली बार इनको पकड़ा गया है। इसमें हम लोग इनकी पोजीशन से 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। ये मोबाइल्स बेसिकली जो ये इनका तस्करी का काम होता था उसमें ये प्रयोग में लाते थे। इस प्रकार ये हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद इसमें जो फरार है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, 2 क्विंटल 20 kg गांजा हम लोगों ने पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 50 लाख के आसपास है, 50 लाख है, और उसमें मोबाइल और ये जो गाड़ी बरामद की गई है। इन लोगों से और भी पूछताछ की गई है, इनका हम लोगों ने इंट्रोगेशन रिपोर्ट भी तैयार किया है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इन सारे ड्रग्स को इधर NCR में खपाने का अपना प्लान किया हुआ था। इंटरसेप्शन से हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है। बाकी अन्य लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और प्रयास ये होगा कि जो नेटवर्क नारकोटिक्स का है, इसको प्रायोरिटी पर लेकर के हम लोग ध्वस्त करें।